जो है विशाल होटल जो देख रहे हैं वहाँ पे कुछ ब्राउन शुगर के पी करके लोग जो है मारपीट किए हैं, दुकानदार का शीशा पूरा तोड़ दिए हैं और इस तरह से चार दिन से दुकानदार को चाकू दिखाया जा रहा है विशाल चाकू को और परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे बेटी बहन माँ बहनों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। चाकू दिखाया तीन दिन पहले मीठा खा के पैसा मांगने पे, यहाँ पे कुमार सिंह नाम है उसका। दुकानदारों को जो है निकलना बंद हो गया है, माँ बहनों को निकलना घर से प्रॉब्लम हो रहा है, सभी लोग जो है इस तरह से प्रशासन पकड़ के ले जाती है और फिर दो घंटा में वो पुनः थाना से छूट करके आ जाते हैं। इस तरह से काफी परेशानी हो रही है यहाँ के दुकानदार भाइयों को, इसीलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि ब्राउन शुगर को बेचना यहाँ बंद करवाएं और यहाँ पे जो दुकानदारों को सुरक्षा दें। अगर दुकानदार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे अपना वो व्यवसाय चलाएंगे, कैसे रोजी रोजगार और अपना व्यवसाय चलाएंगे। इसलिए प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आप लोग इस पर अविलंब ध्यान दीजिए और इसके लिए नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है। मारपीट करने के बाद जो है ये आई थी सीताराम डेरा थाना की जो है वैन आई थी, वहाँ पे पुलिस दे उन लोगों को पकड़ के ले जाने के सिवा वो पुलिस वाले थोड़ी देर में चले गए यहाँ से। उनको चाहिए था कि जो भी लोग मारपीट किए हैं उन लोगों को पकड़ के यहाँ से ले जाएं और मामला को शांत करें। उन लोग क्या किए कि चले गए यहाँ से, उन लोग जो है किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ के नहीं लेगा। आज हम लोग रोड जाम करके प्रशासन को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आप लोग जो है इस तरह का काम जो गलत काम हो रहा है, असामाजिक तत्व जो यहाँ पे फूल फल रहे हैं, ब्राउन शुगर जो बिक रहा है, गांजा दारू जो बिक रहा है, सभी को अविलंब रोका जाए, यही प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं। राजकिशोर प्रसाद, उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, पूर्वी सिंहभूम।